पूर्वी जिले के विवेक विहार स्थित भव्य रामलीला सोसाइटी के तहत आयोजित की जाने वाली रामलीला में भव्य राम बारात का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल मुख्य रूप से उपस्थित थे। विशेष बात यह रही कि यहां पर पहुंचने वाले सभी लोगों को गुलाबी पगड़ी पहनाकर बाराती बनाया गया, तो कुछ पदाधिकारी माता सीता के परिजन बनकर पूरी व्यवस्था को बेटी वालों की तरह से संभाल रहे थे। रामनिवास गोयल ने कहा है कि हमारा देश सनातन धर्म की पद्धति पर चलता है, जहां रामायण, गीता और महाभारत जैसे ग्रंथ आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ ज्ञान देते हैं। आज राम बारात के रूप में देखी जा सकती है। ऋषि मुनियों की शरण में रहते हुए भगवान राम ने जनकपुर धाम पहुंचकर भगवान शंकर के धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह किया था। यूं कहें कि स्वयंवर में जीत हासिल की थी। राम बारात की तैयारी जो है, इस बार हमने एक सोचा था, वो सोच को बहुत अच्छी जा रही है कि हमने सब लोगों को बुलाया। कम से कम 100 से 500 आदमी हो जाएंगे हमारे पास, 300 आदमी हो जाएंगे, जिसको हमने पगड़ी का अरेंजमेंट किया है, सबको बराती बना दिया है। और इसके बाद यहाँ से जो बारात चल के जाएगी जनक बाजार में, वहाँ चार मोड़ का प्रोग्राम रखा गया है। भाई धूमधाम तो ये है कि हम सड़क पे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सड़क पे ले जाना आसान नहीं है। आज माहौल क्या है, सड़कों पे पता नहीं लगता कब कौन क्या कर दे, तो इसलिए हम चाहते हैं अपने प्रांगण में ही इसी को लेके चले। जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार आपके यहाँ ढोल नगाड़ों की व्यवस्था है, बाकी सारी व्यवस्था है, तो क्या क्या खिलाने वाले हैं बरातियों को? भाई जी, जो शादी पे पूरा अरेंजमेंट होता है, हमने पूरा अरेंजमेंट कर रखा है, खाने का, चाट पकौड़ी का, ढोल नगाड़ों का, डांस का, पूरी व्यवस्था है। ढोल वाली टीम बुलाई गई है स्पेशल, बोलियां डलेंगी, डांस होगा, नाच होगा, पूरा मनोरंजन सबके साथ मिलजुल के राम बारात का आनंद उठाया जाएगा। जिस तरह से रामलीलाओं का दौर चल रहा है और आज आप भव्य रामलीला सोसाइटी में, क्या कहना चाहेंगे, क्या समाज के लिए? देखिए, भारतीय संस्कृति में भगवान राम का एक विशेष महत्व है। भगवान राम को, रामायण को, या महाभारत को, या गीता को भारतीय संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो भारतीय संस्कृति जीरो हो जाती है और भारतीय संस्कृति के स्तंभ। रामलीलाएं जैसे शरदकालीन नवरात्रे आरंभ होते हैं, पहला नवरात्र उसी दिन रामलीला आरंभ होती है। दशहरे के दिन पाप का अंत होता है, रावण का अंत होता है, और रामलीलाएं भरत मिलाप के साथ पूर्ण हो जाती है। और रामलीलाएं भारतीय संस्कृति की, जैसा मैंने कहा, उन मर्यादाओं को जीवित रखने के लिए, वो मर्यादाएं समाज में जीवित रहें जो भगवान राम ने दी थी। सर, आज राम बारात है, इसलिए आ रहा हूँ, इसलिए रामलीला का मंचन निरंतर हो रहा है। आज भव्य रामलीला सोसाइटी के द्वारा आयोजित इस पुलिस स्टेशन के सामने DDA मैदान में, जो पिछले 10 वर्षों में एक विशाल रूप ले चुकी है, किसी दिल्ली की रामलीला से कम नहीं, यहाँ की भव्यता। और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी है कि आज राम बारात है, भगवान राम जनकपुरी जाएंगे, सीता विवाह होगा, और आज बारात लेकर के बाराती जिस ढंग से सज धर रहे धज रहे हैं, हमारे SHO साहब भी आए, नरेंद्र जी, उन्हीं के कार्यालय के सामने आज रामलीला का मंचन राम बारात जाएगी, और हमें राम बारात में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बहुत आयोजकों को, श्री सलूथरा जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।